ये आवाज कैसी है? ओ तेरे, my name is Zay, welcome back to JP Studio. In this episode, I will show you how to create an Doctor Strange portal effect on Kinemaster. So guys, in this episode, I will cover how to shoot with mobile phone on green screen and how to edit an portal effect on mobile phone. So first of all, you have to download black screen portal effect and all material which I used on this video. And friends, this video is fully edited on Kinemaster, but for realistic view, I use VivaCut application for color grading. So both application link and all material link are given on description. First of all, you download all stocks from description link. Don't forget to like and subscribe to my channel. Without any wasting a time, let's start the video. So guys, first of all, you have to set up this green screen on front of the sunlight or any other light which cannot create the shadows. After that, we have to shoot 6 scene on green screen. तो दोस्तों, इस वीडियो को शूट करने के लिए हमें ग्रीन स्क्रीन सेटअप कर लेना है। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई भी ग्रीन कलर का पर्दा या फिर चद्दर या फिर कुछ ना कुछ कोई ऐसा सिमिलर कलर का पर्दा या फिर साड़ी ऐसा कुछ ले लेना है और सेटअप कर लेना है। फिर दोस्तों, हमें मोबाइल फ़ोन को ट्राईपॉड पर रख देना है। अगर आपके पास ट्राईपॉड भी अवेलेबल नहीं है तो आपको सिंपली कोई ऐसी जगह पे फोन रख देना है जिससे वीडियो स्टेबल शूट हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो का शूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले सीन में हमें ठंड लग रही है और कंबल या फिर जैकेट वगैरह ऐसा कुछ लेके हमें अपने शरीर को ढक लेना है और कुछ इस टाइप से एक्ट कर लेना है। दोस्तों, दूसरे सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल इफेक्ट बना रहे हो, कुछ इस टाइप से एक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों, थर्ड सीन में हमें एक्टिंग क्या करनी है, सिर्फ चल के कैमरे के बाजू में से निकल जाना है। जहाँ पे आपके मोबाइल फोन आपने रखा है उसके बाजू में से हमें निकल जाना है। कुछ ऐसा शूट करने के बाद हमें जंप लगाना है और हमें ऐसा एक्ट कर लेना है कि हम अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अलग भी डायलॉग मार सकते हो या फिर मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हो। आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे वॉइस, साउंड इफेक्ट सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, फिफ्थ सीन में भी डायलॉग है, वो भी आपको करके बाद में सिक्स्थ सीन आपको कुछ इस टाइप से एक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि यार हमने इसी तरह के बहुत से कंटेंट बना के रखे जिनको देख के आप बहुत कुछ एडिटिंग में सीख सकते हो। सो गाइस, नाउ वी हैव टू एडिट दिस वीडियो ऑन काइनमास्टर, सो लेट्स स्टार्ट द एडिटिंग। तो दोस्तों, एडिटिंग के लिए सबसे पहले काइनमास्टर ओपन कर लेना है, 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है और हमें बैकग्राउंड वीडियो ले आना है। यहाँ पे आपको स्नो बैकग्राउंड को ले आना है मीडिया पे क्लिक करके, फिर हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को ले आना है जो आपने फर्स्ट सीन शूट किया था। तो यहाँ पे आपको सभी सीन अलग अलग बार सेव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सीन को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉप कर लेना है बहुत ही अच्छे से, फिर हमें क्रोमा की इसकी अनेबल कर लेनी है। दोस्तों, इस वीडियो का ग्रीन पार्ट हमें अच्छे से रिमूव कर लेना है, फिर हमें इस वीडियो में स्नो इफेक्ट लगानी। तो दोस्तों, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जो मैंने मटेरियल दिया है उसमें एक ब्लैक स्क्रीन स्नो इफेक्ट होगा तो उसको ले आना है। फिर दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन में जाके उसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब हमें इसका ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन पे कर लेना है। इतना करने के बाद आपको ये 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आना है। तो दोस्तों, आपका वीडियो का लुक रियलिस्टिक लगने लगेगा। फिर इसको और रियलिस्टिक लगाने के लिए आपको साउंड इफेक्ट में चले जाना है और विंड का साउंड ले आना है। फिर दोस्तों, हमें इस वीडियो को शेयर कर लेना है और इसको हाई बिटरेट पे सेव कर देना है। तो अब सेकेंड सीन में हमें पोर्टल इफेक्ट बनाना है, इसके लिए एक स्नो वाला बैकग्राउंड ले आना है।
फिर हमें उसके लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में जाके ग्रीन स्क्रीन लाना है। जो पोर्टल इफेक्ट पॉपअप होता है ना, वो वाला ग्रीन स्क्रीन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ले आना। फिर दोस्तों हमें इसको बैकग्राउंड पे सेट कर लेना है, ग्रीन कलर निकाल देना है और इसको हाई बिट रेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों हमें काइनमास्टर के नए प्रोजेक्ट में आ जाना है और स्नो वाला बैकग्राउंड ले लेना है। फिर हमें इसके लेयर पे ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को ले आना है और अभी जो हमने एक्सपोर्ट किया ना उसको भी ले आना है। फिर दोस्तों इसको क्रॉप करके बहुत ही अच्छे से क्रोमा की रिमूव करके आपको इसको सेट कर लेना है बराबर से स्क्रीन पे। तो दोस्तों जब ये ब्लू कलर का पोर्टल पॉपअप होता है ना, उस जगह पे आपको जंगल वाला बैकग्राउंड ले लेना है। फिर हमें इस ब्लू कलर को निकाल लेना है, इसकी क्रोमा की अनेबल करके इसको ब्लू कलर को निकाल लेना है, तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। फिर दोस्तों हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और पोर्टल ब्लैक स्क्रीन को ले आना है। यहाँ पे आपको इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको स्क्रीन पे कर देना है। तो दोस्तों हमारे जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को उस पर क्लिक कर लेना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो पोर्टल इफेक्ट है ना, वो पीछे चले जाएगा और बहुत ही अच्छा देखने लगेगा वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। जब पोर्टल आता है ना, तब पीछे वाला बैकग्राउंड दिखना चाहिए, कुछ इस टाइप से हमें सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो सेट हो जाने के बाद बाकी के सारे हिस्से ट्रिम कर लेने हैं और हमारे वीडियो में जो पोर्टल इफेक्ट है ना, वो कम लाइट दे रहा है। तो इसके लिए हमें उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट बना लेना है। तो इसकी वजह से ना आपके वीडियो में ज़्यादा लाइट आने लगेगी पोर्टल इफेक्ट के। फिर दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को हमें ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। तो दोस्तों आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। फिर हमें इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए वीडियो में जो पोर्टल इफेक्ट का साउंड है ना, उसको ले आना है। तो ये साउंड इफेक्ट को आपको अच्छे से सेट कर लेना है। फिर दोस्तों हमें इसको भी ट्रिम करके वीडियो को शेयर करके हाई बिट रेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें थर्ड सीन के लिए न्यू प्रोजेक्ट में चले आना है काइनमास्टर के। तो यहाँ पे आपको स्नो बैकग्राउंड ले लेना है और ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेना है, जो थर्ड सीन है वो। फिर दोस्तों हमें इसको क्रॉप करके अच्छे से क्रोमा की अनेबल करके हमें इसको सेट कर लेना है। फिर हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और एक ऑरेंज वाला ब्लैक स्क्रीन दिया हुआ है उसको ले आना है। अब हमें इसके स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर उसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। फिर दोस्तों हमें इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें ये जो ऑरेंज कलर कम दिख रहा है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका डुप्लीकेट बना लेना है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा डुप्लीकेट कर लेना है और इस वीडियो को हाई बिट रेट में सेव कर लेना है। फिर दोस्तों हमें एक न्यू प्रोजेक्ट में चले आना है वापस से। यहाँ पे आपको एक जंगल वाला बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ पे आपको उसके लेयर में जो पोर्टल डिसेबल होता है ना, उस ग्रीन स्क्रीन को ले आना है, ग्रीन कलर को निकाल लेना है। फिर हमें इसको हाई बिट रेट में सेव कर लेना है। फिर दोस्तों हमें एक और न्यू प्रोजेक्ट में चले आना है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ले लेना है, स्नो वाला और फॉरेस्ट वाला। स्टार्टिंग में आपको स्नो का रखना है और इसके लेयर में जो पोर्टल डिसेबल होता है फॉरेस्ट वाले बैकग्राउंड पे, उसको रख देना है और हमें सेकंड पे फॉरेस्ट वाले वीडियो को रख देना है। फिर हमें ब्लू कलर को क्रोमा की अनेबल करके अच्छे से ब्लू कलर को निकाल लेना है, तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। फिर दोस्तों हमें लेयर पे अपना ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो ले आना है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देनी है और उसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें पोर्टल फुटेज वाला वीडियो ले आना है, उसको स्क्रीन पे कर देना है। फिर हमें उसका डुप्लीकेट कर देना है ताकि इसकी ज़्यादा इफेक्ट आए ऑरेंज कलर की। फिर दोस्तों इस वीडियो को हाई बिट रेट में सेव कर लेना है। तो अब हमें न्यू प्रोजेक्ट पे चले आना है, को ग्रीन स्क्रीन फिफ्थ सीन को ले आना है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट वाला ले लेना है और उसके नीचे ग्रीन स्क्रीन ले आनी है। फिर हमें उसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लेना है और इसको हाई बिट रेट पे सेव कर लेना है। तो दोस्तों फिफ्थ सीन भी हो जाने के बाद हमें लास्ट वाले सीन को ले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का फुटेज ले आना है। फिर हमें डायनासोर की ग्रीन स्क्रीन ले आनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो डायनासोर की ग्रीन स्क्रीन हमें अच्छे से निकाल लेनी है और बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर देना है फॉरेस्ट में। फिर दोस्तों हमें अपनी वीडियो को ले आना है और ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देना है और इसको एकदम कोने में रखना है अपनी वाली वीडियो को, ताकि ना बहुत ही अच्छे से वीडियो बन सके। तो दोस्तों जब भी सारे सीन आप सेव करो ना, तब चेक कर लेना कि वीडियो में साउंड इफेक्ट और म्यूजिक ऐड किया है कि नहीं, क्योंकि वही रियलिस्टिक लुक देता है वीडियो को। फिर दोस्तों इस वीडियो को ना कलर ग्रेड करना है, तो इसके लिए आपको VivaCut एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक ना वीडियो को एक लाइक कर दो और दोस्तों हमें कमेंट में बताओ कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।
दोस्तों आपको कोई भी एडिटिंग में दिक्कत हो रही या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आईडी है jpstudio007। तो दोस्तों लिंक भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले वीवा कट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सारे वीडियोस को ले आना है जो आपने काइन मास्टर में एक्सपोर्ट किए। सभी वीडियो को लाइन वाइज करके हमें फर्स्ट वाले वीडियो पे चले आना है। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला वीडियो स्नो वाला है, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को -50 कर लेना है और बाकी सब आपको आपके फुटेज के हिसाब से कलर ग्रेडिंग कर लेनी है। फिर दोस्तों जो फॉरेस्ट वाला है ना उसमें हमें टेम्परेचर थोड़ा प्लस में कर देना है, तभी आपकी वीडियो है ना एकदम ओरिजिनल रियलिस्टिक लगने लगेगी। तो बाकी के कलर फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, VFX भी यूज़ कर सकते हो, इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फ्री वर्जन नहीं है प्ले स्टोर पे, इसका आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैंने मोड वर्जन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करके यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से करोगे तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ नहीं खरीदना। फिर दोस्तों हमें इस वीडियो को फुल HD 1080p में सेव करना है ताकि इसके फ्रेम ड्रॉप ना हो और क्वालिटी डाउन ना हो और आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी सेव हो जाए। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में बताना कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद कितने सब्सक्राइबर हुए, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।